एरे के सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे एरे के अंदर स्लाइसिंग ऑपरेशन एंड एरे मेथड के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले हम स्लाइसिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम एरे इंपोर्ट, और यहां पे स्टार दे दी, और यहां पे ए इक्वल टू एरे, और इसके अंदर में हम आई इंटीजर ले लेते हैं एंड कॉमा हम यहां पे देते हैं कुछ नंबर्स जो कि है 70 कॉमा था, यहां पे 10 से लेते हैं तो समझ में आएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। अब यहां पे हम एक काम और करते हैं, यहां पे लिखते हैं कि फोर I in, और यहां पे हम a में स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं, मान लीजिए 1 से 3, और यहां पे हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम यहां पे दे देते हैं सिंपल सा I। अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रिंट आएगा 10, 20 और 30। हम इसको एक बार रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ सॉरी 20, 30 आया, 20 और 30, 10 इसमें नहीं आया, 10 इसलिए आया क्योंकि एरे 0 से चलता है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए 0 to 3 कर देते हैं, तब क्या आएगा, तब देखिए 10, 20, 30 आगे, एक कम लेता ध्यान रखिए, और 3 की है 30 आ गया। इसी में अगर हम करते हैं यहाँ पे 3 to 5, तो 2 to 5 में क्या आएगा, आप देख सकते हैं 30, 40, 50। आप बोलेंगे 30 क्यों आया, क्योंकि इसने 0 से स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से स्टार्ट करने पे 3 जो पहुंचेगा वो 30 पे पहुंचेगा, 2 पहुंचेगा 30 पे, 0, 1, 2, और यहां पे फिर आपको 50 तक गया। तो बोलेंगे 55 कैसे गया, क्योंकि अगर हम यहां से मांगे तो यह 2, 3 एंड यहाँ पे 4 ही आया। जी हाँ, क्योंकि तो आपने जो 5 दिया ये हमेशा एक कम लेता है, आपको याद होगा मेरे रेंज की क्लास में बताया था कि एक हमेशा कम होता है इसका। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं कि आपको एरे कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 2 के साथ हम आगे एंडिंग नहीं लिखे, हम 2 लिख के छोड़ दिए, जब इसको रन कीजिएगा तो देखिए 30 से लेकर 100 तक आया, मतलब 2 के बाद वाला जो भी है सारा दे दे। तो क्या हम इसमें अगर मान लीजिए 5 लिख के छोड़ देते हैं तो क्या आएगा, चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 से 5 तक आया, मतलब यहां पे अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो 0 मान लेता है या फिर एंड मान लेता है अगर लास्ट में छोड़ते हैं तो। इस तरह से भी इसका यूज की जा सकती है, स्लाइसिंग इसी को हम स्लाइसिंग इफेक्ट करते हैं एरे के अंदर। और स्लाइसिंग के बाद अगर इसे माइनस में दे तो तब क्या होगा, तो मान लीजिए कि मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पे -4 और ये दे दिया, तब क्या होगा, अगर हम तब रन करते हैं तब देखेंगे कि 70, 80, 90, 100, मतलब लास्ट से जो है 4 ले लिया, तो प्लस करेंगे तो ये लेगा और माइनस करेंगे तो यहां से गिनती शुरू करेगा, इसलिए लास्ट से शुरू कर दिया अगर हम माइनस में देते हैं तो। अगर मान लीजिए -4 से हमने मान लीजिए कि -1 कर दिया तब क्या आएगा, तो अब देखिए यहाँ पे आएगा आपको 70, 80, 90, मतलब कि 4 से 1, मतलब कि यहाँ 70 से चला और 100 जो है यहाँ -1 एंडिंग है, तो लास्ट से एक कम इसमें ले लिए, इसी को हम स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। तो इस पे आप कीजिएगा प्रैक्टिस, इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड की, जैसे ये जो प्रोग्राम था इसी को लेते हैं। हाँ, मान लीजिए कि अगर हम करते हैं यहाँ पे ए डॉट, हम करते हैं अपेंड, अपेंड मतलब कि मुझे इसमें कोई वैल्यू मैंने पहले से है और मुझे इसमें कुछ वैल्यू जोड़ना है, तो अपेंड कहाँ जोड़ना है, इसके अंदर जोड़ना है अपेंड
मान लीजिए अपन यहां पे हम 30 कर देते हैं, तो क्या होगा, यहां से रन कर, यहां पे यहां, उसके बाद यहां पे हम प्रिंट करवाएंगे कि प्रिंट, लेकिन अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट में प्रिंट और प्रिंट के अंदर में ए कर देते हैं तो क्या प्रिंट होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं, देख सकते हैं प्रिंट हुआ। तो लास्ट में आपको दिख रहा है इसमें 30 ऐड कर दिया, तो अपेंड क्या है कि लास्ट में इसने आपका एक नंबर जोड़ दिया, तो अपेंड करेंगे तो जोड़ देगा। मान लीजिए एक बार और अपेंड करना है, डॉट यहां पे हम अपेंड, अपेंड के अंदर में मान लीजिए हमने 40 कर दिया, तो इसने 40 को जोड़ दिया। अब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने 40, 30 के बाद एक और 40 जोड़ दिया था, 30 के बाद एक और 40 जोड़ दिया। अब देखिए हम यहाँ पे अगर लूप वगैरह एलिमेंट वगैरह नहीं चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो भी टेक्स्ट है वो शो होता है इसी तरह से एरे फॉर्मेट, सिर्फ नंबर से बाकी जो नंबर शो किया है नंबर शो नहीं होता, इसलिए हम लोग लूप वगैरह चलाते हैं एरे के अंदर चीजें है उसको देखने के लिए। अब अपेंड के बाद आता है हमारा काउंट, जैसे मुझे मान लीजिए कि काउंट चाहिए, तो हम यहां पे ए डॉट हम देते हैं काउंट, और काउंट में ब्रैकेट और रन करें, देख सकते वो करा रहे, सॉरी ए डॉट काउंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, नहीं तो ए डॉट काउंट, यहां पे हम देंगे मान लीजिए f इक्वल टू a डॉट काउंट, काउंट के अंदर में a अगर डाल देते तो क्या आएगा, नहीं चल गया। अब यहां पे हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट के अंदर में हम करते हैं f और इसको रन करते हैं, तो देखिए 0 है, जीरो क्यों है, इस पे तो पूरा एलिमेंट डालना चाहिए, तो काउंट करने के लिए हमें यहाँ पे हमने इससे पहले ही बात की थी लाइब्रेरी, मुझे याद नहीं था, इसमें मैं अगर ए कर दूं तो ये आपको काउंट दे देता है, काउंट के लिए आप काउंट लगाने की जरूरत नहीं, देखिए यहाँ पे इसने 12 दे दिए क्योंकि इसके अंदर 12 थे, इसने 12 काउंट दे दिए, तो इस तरह से हम काउंट, अब 12 कैसे होंगे, ऊपर 10 है लेकिन हम 2 हमने बाद में अपेंड किया ना इसलिए 12 हो गए, तो इस तरह से हम काउंट ले सकते हैं, लेन फॉर्मूले से हम काउंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे काउंट के बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है रिमूव, जी हाँ हमने अपेंड कर दिया, अपेंड मतलब अपेंड कर दिया कोई वैल्यू अपेंड कर दिया, अब इसमें आता है अपेंड के बाद इसमें आता है इंसर्ट, इंसर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ हमने यहाँ पे लिया ए, ए के साथ हमने ए डॉट इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट, इंसर्ट में हमें देना होता है पोजीशन, इंसर्ट में क्या देना होता है पोजीशन, तो मान लीजिए हमने इंसर्ट के अंदर जो है दे दिया 1, हम यहाँ पे दे दिया 99, या मान लीजिए इस पे दे दिया 99 कर देते हैं, यूनिक रहेगा। अब इसमें हम प्रिंट टी करते हैं ताकि दिखे कि क्या प्रिंट हुआ, इंसर्ट हुआ,
क्या दे सकते हैं कि जीरो के बाद वन पे 99 ऐड हो गया। तो इस तरह से हम बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने 99 ऐड कर दिया 01 के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 दिया। तो इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट के बाद हम रिमूव भी कर सकते हैं कि क्या हम रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए डॉट रिमूव, और इसके अंदर मान लीजिए हमने 99 डाल के आप प्रिंट दे करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट में 99 गायब। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि अपेंड, मतलब नई तो ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट एक पट्टी, एंड अपेंड करेंगे तो लास्ट में ऐड होगा, और आप जब लेन करेंगे तो उसका लेंथ पता चलेगा कितना लेंथ है, उसके बाद इंसर्ट करेंगे एक पर्टिकुलर पोजीशन में तो इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप रिमूव करते हैं तो क्या होगा कि जो नंबर डालेंगे, जो टेक्स्ट डालेंगे, वो टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और भी आती है कि अगर मैंने रिमूव ही करना है तो मैंने लिख दिया एड डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर में जो रिमूव है हमारा, रिमूव में यहां पे हम नहीं, रिमूव नहीं डालना होता है, इसमें पॉप डाल देते हैं, पीओपी पॉप, पॉप लाइक ये क्या करेगा, पॉप जो है वो आपका लास्ट का जो है वो रिमूव करेगा, इसमें 100 है ना, इस 100 को रिमूव कर देगा। तो देख सकते हैं, नहीं 100 नहीं, यहाँ पे 20 40 था ना लास्ट हमारा, तो 40 को रिमूव कर दिया, क्योंकि दो ऐड भी तो हुआ है, तो 40 इसने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे 40 आपका रिमूव हो गया पॉप से। तो पॉप क्या होता है, वो पर्टिकुलर को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे आता है इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या करता है, फाइंडिंग ऑफ द पोजीशन। जैसे मुझे चेक करना है कि जो 99 है, मुझे मान लीजिए 99 को रिप्लेस करना है, क्या करना है, 99 नहीं, मान लीजिए मुझे 30 को रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा हम लिखेंगे n इक्वल टू में हम लगाएंगे a डॉट, और a डॉट में हम कर देंगे इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स किसका, तो 30 का। तो अगर मैं यहां पे n प्रिंट करूं तो आपको n जो है दिख जाएगा, यहां पे n क्या दिख गया, n दूसरे नंबर पे, 30 जो है दूसरे नंबर पे है। अब मुझे 30 को 40 करना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम यहां पे, तो इसमें हम इसे इंसर्ट लगा के 30 के जगह पे 40 कर सकते हैं, उसको 30 को रिमूव कर देंगे। कैसे, जैसे यहां देखिए हमने लिखा आर डॉट इंसर्ट, सॉरी ए आर एन है, ए ए डॉट इंसर्ट, इंसर्ट इंसर्ट में हमने बोला कि जहां एन है उसके जगह पे हमने बोला कि मुझे 99 को इंसर्ट करना है। उसके बाद हम सिंपल हम करेंगे ए डॉट रिमूव, और रिमूव में हम यहां पे डाल देंगे 30, तो अब 30 जो है 99 हो जाएगा। देखिए एन है, यहां पे एक काम करता हूं, ए करता हूं, ए यहां देखिए 30 की जगह पे 99 होगा। इस तरह से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स आपका पोजीशन बनाता है। अब यहां पे हम एक काम और करते हैं, यहां लेते हैं बी इक्वल टू ए डॉट टू लिस्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं। अब यहां हम बी को प्रिंट करते हैं। अब टू लिस्ट क्या करेगा, देखिए टू लिस्ट क्या करता है, कन्वर्ट एरे टू लिस्ट, यहां देखिए तो टू लिस्ट ने इसको लिस्ट दे दिया। आप इससे पहले याद होगा कि मैंने आपको लिस्ट बताया था कि आप एक ही वेरिएबल इस तरह से पूरा ए इक्वल टू कर देंगे तो लिस्ट हो जाएगा। एक तो एरे फॉर्मेट में डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप लिस्ट फॉर्मेट में डाल सकते हैं। तो इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर।
अब हम बात करते हैं स्प्लिट। अब इसको जो है इसको रख देते हैं यहां पे कॉपी करके। अब अगला जो आता है वो आता है हमारा स्प्लिट मेथड। जैसे यहां लिखते हैं इंपोर्ट फॉर फ्रॉम, लिखता हूं कि फ्रॉम इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या एरे होगा ना, फ्रॉम एरे इंपोर्ट और यहां पे स्टार स्टार दे दिया। अब यहां पे हम लिखते हैं ए इक्वल टू एरे और इसके अंदर नहीं, इसमें हमें एरे देने की जरूरत नहीं, एरे देने की जरूरत नहीं है फिलहाल, एरे को मैं हटा देता हूं। इसमें हम लिखेंगे जैसे ए इक्वल टू, हमने यहां पे दे दिया इनपुट, इनपुट के अंदर में हम यहां पे दिया कि एंटर एंटर नेम, इसमें डॉट हमने स्प्लिट लगा दिया और स्प्लिट में हमने कर दिया स्पेस, हमने क्या कर दिया स्पेस कर दिया। अब यहां पे अगर मैं करता हूं प्रिंट प्रिंट ए करता हूं, क्या होगा, यहां पे नाम एंट्री करने के लिए बोल रहा है, मैंने यहां पे लिख दिया सुजीत स्पेस कुमार सिंह और एंटर प्रेस करते हैं। तो देख सकते हैं कि इसको इसने लिस्ट में जो स्पेस था स्पेस के बिहाफ पे उसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लीजिए मुझे यहां पे प्रिंट करना है फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम और यहां पे कॉमा हमने ए के अंदर वन दे दिया और इस प्रिंट को क्लोज कर दिया। अब यहां पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहां पे लास्ट नेम और लास्ट नेम में हम यहां पे टू कर देते हैं तो क्या होगा, यहां पे नाम लिखने के लिए बोल रहा, मैं यहां पे लिखता हूं सुजीत कुमार सिंह और यहां पे दिक्कत हुआ, यहां पे मुझे ओ सॉरी यहां पे ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट होगा क्योंकि तो लिस्ट है ना, लिस्ट में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट नहीं होता। अब यहां पे देते हैं सुजीत कुमार सिंह, एंटर प्रेस किया तो देख सकते हैं कुमार और सिंह। अब कुमार क्यों हुआ, फर्स्ट नेम तो आना चाहिए सुजीत, तो क्योंकि हमने लास्ट नेम बताया था जीरो से होता है, हम यहां पे वन दे दिया इस कारण से ऐसा हुआ। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे अगर मैं लिखता हूं सुजीत कुमार सिंह, एंटर प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम सुजीत और लास्ट नेम सिंह। तो इस तरह से स्प्लिट किसी भी जो भी आप एंट्री करते हैं उसके बिहाफ पे वो स्प्लिट कर सकता है। अब स्प्लिट पे ही बात चली है तो चलिए इसमें कुछ और चीज भी देखते हैं। अब इसको कट करके मैं यहां पे डाल देता हूं। अब यहीं पे मैं लिखता हूं कि ए यहां सॉरी ए इक्वल टू यहां देते हैं कि इनपुट और इनपुट के अंदर में हम यहां पे लिखते हैं कि एंटर मार्क्स और इस पे हम क्या करते हैं
स्प्लिट का फॉर्मा लगाते हैं और स्प्लिट हम स्पेस से स्प्लिट करते हैं। उसके बाद हम यहां पे क्या करते हैं कि m इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं इंट, और इंट में हम देते हैं n n फ्रॉम, यहां पे सॉरी फ्रॉम देना पड़ेगा, फ्रॉम हमने यहां पे दे दिया n in a। तो यहां पे लिखा हमने n इक्वल टू int, int में हमने दिया n, n जो नंबर है यहां पे फोर, यहां पे फोर फ्रॉम नहीं होगा, फोर होगा, माफ कीजिए गलती से लिख दिया फ्रॉम, वो एरे दिमाग में चल रहा है ना, इसलिए यहां फोर n in a। अब यहां पे लिखते हैं हम प्रिंट, प्रिंट में हम देते हैं m। अब देखिए क्या होगा, यहां पे हम मार्क्स डालने के लिए बोल रहे हैं, हम यहां पे मार्क्स डालने की बात कर रहा है, तो यहां हम 10, 20 और 30 स्पेस से सेपरेट करके डाल दिए। डालने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे 10, 20 और 30 इंटीजर में कन्वर्ट होकर आ गया। किसमें कन्वर्ट होकर आ गया? इंटीजर में कन्वर्ट होके आ गया, लेकिन मुझे इसको प्लस करना है, ठीक है। पहले तो टेक्स्ट था, स्प्लिट हुआ, स्प्लिट तो टेक्स्ट होता है, अब किसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया कि m के ऊपर जो है a से इंटीजर में कन्वर्ट करके डाल दिया, इसमें लिख दिया int n for n in a। तो जितने भी a के ऊपर स्टोर है वो n पे आएंगे और साथ में इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको मुझे चाहिए प्रिंट, तो हमने यहां पे कर दिया कि फोर a in m, और यहां पे लिखते हैं, यहां पे हम a कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, s प्लस इक्वल हम यहां पे कर दिया a। तो a तो ऑलरेडी है, तो यहां पे k कर लेते हैं, k और यहां पे k, प्रिंट एस। अब यहां पे एस के नीचे अंडरलाइन है, एस इज नॉट डिफाइंड, यहां पे एस इक्वल टू जीरो कर, तो अब डिफाइन हो गया। चलिए प्रिंट करते हैं, यहां पे नीचे मार्क्स यहां बोल रहा है, यहां पे लिखते हैं 10 स्पेस 20 स्पेस 30 और यहां पे देखिए 60 हो गया। तो इस तरह से हम इसको सम करते थे, तो जब मल्टीपल एंट्री देते हैं तो उसको लिस्ट में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका यूज हम लोग करते हैं।